नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम चना दाल का पराठा बनाएंगे। इसी की रेसिपी लेकर के आज हम आए हैं। हमारे घर चना दाल तब बनता है जब जो है आम का मौसम आता है, उस टाइम हमारे घर में चना दाल का पराठा बहुत ही बनता है, सबको बहुत ही पसंद आता है। तो चना दाल का पराठा बनाने के लिए हमने ये 200 ग्राम चने का दाल लिया हुआ है। इसे हमने अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो करके इसको 2 घंटा पहले हमने सोख करके रख दिया था। अब हमें इसका जो तड़का बनाना है इसको बॉईल करना है। इसको बॉईल करने के लिए हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ये हमने जो है रिफाइंड ऑयल लिया है। आप इसकी जगह कोई भी ऑयल जो आप खाते हैं, जो आपको पसंद है, या देसी घी से भी इसका तड़का बना सकते हैं। 2 चम्मच तेल हमने जो है कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें हम जो तड़का डाल दे रहे हैं, तड़के में हमने 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है, मोटी वाली सौंफ है, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 मोटी वाली इलायची है काली वाली, और 2 लाल मिर्च है, इसको तोड़ के हमने डाल दिया है। इसमें आप जो है अगर लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी डाल दीजिए, लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए। अब ये तड़का हमारा जो है थोड़ा सा भून जाए, थोड़ा कलर चेंज हो जाए, फिर जो हमने दाल सोख करके रखी थी फुला करके, उसको इसी में हम डाल देते हैं। अब ये दाल हम इसी में डाल दे रहे हैं। एक बार दाल को अच्छे से हम मसालों में जो मिक्स कर लेते हैं। अब दाल में 1 गिलास पानी डाल देंगे, जितने में ये दाल हमारी अच्छे से जो है पक जाए, कुक हो जाए अच्छी तरह से, एकदम सॉफ्ट हमारी दाल ये जो है पक जानी चाहिए। ये 1 गिलास पानी इसमें हम डाल दे रहे हैं। और इसमें अब हम जो है थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 टेबल स्पून इसमें जो है हल्दी डाल देंगे। ये हम 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी डाल दिया है और नमक डाल दिया है। अब इसे हमें जो एक बार चला करके इसको ढक करके इसको हमें जो पकाना है, जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता, अच्छे से जो सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक इसको हमें पकाना है। एक बार हम दाल को चेक कर लेते हैं खोल करके। ये देखिए पानी हमारा काफ़ी हद तक सूख गया है। अब इसको एक बार चला लेते हैं और इसको जो है देख लेते हैं कि दाल हमारी कितनी पकी है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से जो सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल पक गई है। अब हम दाल को जो ठंडा होने देंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद फिर इसको उसको हम जो है पीस लेंगे। ये देखिए दाल हमने जो पीस करके तैयार कर ली है। अब आटे का डो भी हमारा तैयार हो गया। 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल करके डो तैयार कर लिया है। अब इसकी हम जो है जितना बड़ा पराठा हमें बनाना है उसके हिसाब से हम लोई ले लेंगे और इसको जो है इसमें थोड़ी सी जो है हम जगह बना लेंगे दाल को फिल करने के, दाल को भरने के लिए। ये जो है कटोरी की तरह जैसे इसको हम बना लिया है, और जितनी दाल इसमें आसानी से आ जाएगी उतनी ही दाल हमें भरनी है, बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर देंगे तो पराठा हमारा जो है फटने लगता है। अभी लोई को लॉक कर देंगे। लॉक करके थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हाथों से थोड़ा सा हमें जो है पहले बड़ा कर लेना है, नहीं तो जो है ये हमारा पराठा जो है फटने का चांस बहुत रहता है। इसीलिए एक बार इसको हम बड़ा कर लेते हैं हाथों से घुमा के। अब बेलन के से जो है हल्के हाथों से हमें बेलना है। अब ये पराठा हमारा फटेगा नहीं, इसको हम जितना पतला चाहें उतना पतला हम इसको बेल देंगे। और पद्दे पराठे इसके बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये देखिए हमने इतना पतला जो है पराठा बेल करके तैयार कर लिया है और ये पराठा हमारा बिल्कुल नहीं फटा है। अभी जो है हम गर्म तवे में इसको डाल देते हैं। अब एक साइड से हम इसको जो पलट देंगे और थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें जो है ऑयल लगा देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। ये देखिए हमारा पराठा जो कितने अच्छे से फूल रहा है, बहुत अच्छे से पराठा हमारा बन करके तैयार होगा। अब इसी तरह से जो हम सारे पराठों को सेकेंगे। ये बहुत ही बढ़िया जो है पराठा इस तरह से जब हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट ये पराठा बन करके तैयार होता है। अब ये पराठा हमारा बन के तैयार हो गया, इसको हम निकाल देते हैं। इसी तरह से भी हम जो है और भी पराठे बाकी के सारे पराठों को बना करके तैयार कर लेते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब दूसरा पराठा बना करके डाल देते हैं। ये एक और पराठा हमने बना लिया है, इसको भी सेंक लेते हैं।
जी देखिए कितना अच्छा पराठा बन रहा है, दाल का पराठा। और इस मौसम में आप जो है पराठा बनाइए और आम के साथ जो है इसको सर्व कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है आम के मौसम में ये पराठा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि ये दाल का पराठा आपको कैसा लगा है। ये देखिए हम इसे जो है टमाटर आलू की सब्ज़ी, पके आम और कच्चे आम की जो है खट्टी मीठी चटनी के साथ इसे हमने जो है सर्व किया है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।